नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों गदर 2 का गाना खैरियत रिलीज हो गया है, इसके रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन दोस्तों रुला दिया गाने ने, क्या बोलूँ और इससे ज्यादा। इतना इमोशनल गाना, इतना बेहतरीन तरीके से पिक्चराइजेशन और जिस प्रकार से कलाकारों की परफॉर्मेंस है, और दोस्तों इन सबसे बढ़कर के अरिजीत सिंह की गायकी, क्या गायक है, क्या उनकी आवाज में कशिश है। तो गाना इतना इमोशनल है और इतना अच्छी तरीके से लिखा गया है, शायद कादरी साहब ने लिखा है, काफी बेहतरीन ये गाना लिखा है। किस प्रकार से सनी देओल सर अपने बच्चे की सलामती की दुआ यहाँ पे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद पाकिस्तान में फंस गए, वो पाकिस्तान में कोई मुसीबत में फंसे हैं, उनकी तलाश में वो जा रहे हैं, खत पढ़ रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं कि हे मालिक, हे भगवान, उनकी उनको खैरियत से रखना, जहाँ कहीं पर भी है उनकी खैरियत की दुआ कर रहे हैं। तो गाने को बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, सूरज की तेज रोशनी से बचाना, बारिश की कितनी भी तेज बारिश हो उसमें बचाना, तो कोई भी मुसीबत से मतलब बच्चे को बचाना है, जीतू को बचाना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से गाना लिखा गया है। और जिस प्रकार से गाने में सिनेमाटोग्राफी विजुअल्स दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से गाने को इतने एक आम भाषा में, एक समझने वाले लफ्जों में लिखा गया गाने को, बहुत बेहतरीन है। और मिथुन ने क्या इसका म्यूजिक कंपोज किया है, इतनी अच्छी धुनें हैं, दिल को सुकून देती है, दिल को आनंद देती है, दिल को एक ठंडक सी महसूस होती है इसको जब सुनते हैं तो गाने को, और बार बार सुनने को मन करता है। और इस गाने के साथ आप खो जाएंगे, आप बिल्कुल इमोशनल हो जाएंगे, आपका आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी। मैंने 2-3 बार गाने को देखा दोस्तों, लेकिन मैं भी अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाया। बहुत ही बेहतरीन गाना, बहुत ही अच्छा गाना है। और दोस्तों जिस प्रकार से संदेश से आते हैं बॉर्डर फिल्म का गाना था, बहुत इमोशनल, उसी एक कैटेगरी का गाना मुझे लग रहा है। हालांकि कोई तुलना नहीं कर रहा मैं उनकी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला गाना है, आपकी आंखों में डेफिनेटली आंसू ये गाना लाएगा। आप इस गाने को देख करके आपको डेफिनेटली आपकी आंखें नम हो जाएगी। बहुत बेहतरीन गाना है, हर तरह से बेहतरीन है, पिक्चराइजेशन, विजुअल्स, सिनेमाटोग्राफी, कलाकारों की परफॉर्मेंस, सनी देओल सर की लुक, उनकी जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है, चाहे अमीषा पटेल हो उनकी, चाहे आप देखिए जिस तरह से उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हो, उत्कर्ष शर्मा कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, वो जबरदस्त उनके लिए भी ये फिल्म होने वाली है। और जिस प्रकार से पूरा गाना लिखा गया है, और सबसे बेहतरीन अरिजीत सिंह, क्या गायक है, क्या उनकी आवाज़ में एक मिठास है, क्या एक पूरे इमोशंस अपनी आवाज़ के साथ वो बाहर निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन गाना है दोस्तों, 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 में रेटिंग देता हूँ उस गाने को, और ये गाना सभी को पसंद आएगा और डेफिनेटली ये गाना ब्लॉकबस्टर सॉन्ग ऑफ द ईयर होने वाला है। आप बताइएगा अगर आपने गाना देखा तो आपको गाना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोले।